आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे शानन में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट रखते इस वक्त आप सबके बीच बात करने वाली हूँ राजस्थान की सियासत पर, जहाँ वसुंधरा का तीखा हमला अशोक गहलोत पर जारी है और इस बीच सचिन पायलट का क्रेज देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। सचिन के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अशोक गहलोत की कुर्सी गिरनी तय बताई जा रही है। जी हाँ, विपक्ष के नेता और पूर्व गृह मंत्री अगर कटारिया जी की करें, गुलाब चंद कटारिया जी की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत का सीधा सीएम की कुर्सी से लुढ़कना तय है अगर एक भी कोई नेता लुढ़कता है। तीन जो उम्मीदवार उतारे गए राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए, ऐसे में अशोक गहलोत अपनी कुर्सी खोने को लेकर बहुत डरे हुए क्योंकि सचिन को सीएम बनना है और सचिन ने इस बात को कई बार कई दफा कह दिया है, राजस्थान छोड़कर वो नहीं जाएंगे, यानी कि सीएम की कुर्सी वो संभालने के लिए पूरी तरह से राजी है। तो सीएम की कुर्सी पर सचिन की नियुक्ति को लेकर गांधी परिवार धीरे धीरे उन्हें तैयार तो कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत अपना इस्तीफा सौंपे तब तो सचिन को उस पद पर बैठाया जाए। लेकिन सचिन को उस पद पर बैठाया जाएगा, अशोक के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सचिन पायलट से ज्यादा अशोक ही निशाने पर है। भाजपा के निशाने पर सचिन नहीं, अशोक गहलोत है। सीएम अशोक को शर्म आनी चाहिए, ऐसा भी कहना है विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का। वसुंधरा के बाद इस नेता ने कैसे अशोक को उनकी असली जगह दिखाई, क्या कहा है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। राजस्थान की सियासत आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर तीन दिन पहले किस तरह से गर्माए, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जिस तरह से सचिन पायलट के सीएम पद को लेकर अपनी तैयारियां काफी तेजी से बढ़ती नजर आई और उन्होंने कह दिया कि राजस्थान से बाहर वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम जरूर करेंगे लेकिन किसी और पद पर नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सचिन पायलट तैयार कभी भी नहीं थे, जहां राहुल का नाम फिर से चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में से लेकर प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। इन सबके बीच आपको बता दें कि सीएम पद के अलावा डिप्टी सीएम का पद भी संभालने के लिए सचिन तैयार नहीं है, जहां से वो 2020 में इस्तीफा भी दे चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी वो संभालने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सचिन पायलट की जिद अशोक गहलोत के खिलाफ और अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के खींचातान भरे रिश्ते पर जिक्र करना, बार बार अशोक और सचिन के बीच कुर्सी को लेकर यह युद्ध जारी और इन सब के बीच बड़ी खुशखबरी सचिन के लिए आई है क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर अभी हाल ही में जो कहा है मंत्री ने उसका जिक्र हर जगह हो रहा है। जी हाँ, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को लेकर वसुंधरा राजे ने भी अशोक गहलोत की सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयपुर के आमेर में शनिवार को एक बच्ची के साथ जो हुआ उस पर अशोक गहलोत सीएम पद पर बैठे हैं और उनकी चुप्पी से लोग नाराज हैं। प्रतिपक्ष के नेता भी उन पर आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रहे। वसुंधरा राजे के बाद अब जो है देखा जाए तो गृह मंत्री भी है सीएम होने के साथ साथ अशोक गहलोत, ये कहकर कठारिया ने उन पर निशाना साधा और कहा है कि शर्म आनी चाहिए अशोक गहलोत को, इतनी ज्यादा महिलाओं के साथ असहिष्णुता वाली व्यवहार किए जा रहे हैं, ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और मुंह तक अशोक गहलोत का नहीं खुल रहा है। सवाल ये है कि अशोक गहलोत के क्या मुख्यमंत्री पद उनके हाथों से जा रही है, क्या मुख्यमंत्री पद खुद अशोक गहलोत सचिन पायलट को अपने हाथों से सौंपेंगे, क्योंकि चाहे वो ना चाहे लेकिन सचिन पायलट का जिस तरह से अभी पंजाब में स्वागत हुआ, जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर क्रेज ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, जब वो दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, साबित होती है बातें कि जिस तरह से सचिन पायलट से सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी क्यों उनके लिए द्वार खोलने के लिए तैयार हुई राजस्थान में, क्योंकि सचिन वाकई में राजस्थान में इस वक्त अशोक गहलोत से ज्यादा कद्दार अपना बगैर पद के बढ़ा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल करने पर नमस्ते कहकर चले गए थे बीते रविवार को उदयपुर में अशोक गहलोत, और इसीलिए पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जमकर पलटवार किया अशोक गहलोत पर, कहा प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, एक भी शब्द ना बोलना सीएम का बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कानून कैसे खराब हो गई है, कानून स्थिति अपराध कितना ज्यादा जघन्य अपराध बढ़ गया है, शर्म आनी चाहिए उन्हें वास्तव में क्यों गृह मंत्री हैं और वो कुछ कह तक नहीं रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कटारिया ने कहा इस बार गहलोत के लिए बड़ी चुनौती पूर्ण है, केंद्रीय नेतृत्व ने अपने तीन प्रमुख नेताओं को सौंप दिया है, तीनों में से एक भी लुढ़का तो स्वयं लुढ़क जाएंगे अशोक गहलोत। तो देखिए विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद से हटना भी तय है, एक भी कोई अगर नेता हटा तो।
और ऐसे में खुशखबरी सचिन के लिए जरूर है। ये बता दें हम आपको, कानून की स्थिति को देखते हुए भी सीएम की पद पर बहुत बड़े खतरा मंडरा रहा है इस वक्त की स्थिति। नेक्स्ट 9 न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।